एसपी की ओर से अपराधियों को सजा दिलाने के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें किस तरीके से कार्य किया जाएगा आइए आपको भी दिखाते हैं। जेल निरुद्ध अपराधी या जमानत पर बाहर घूम रहे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है। जेडी अभियोजन व पीओ की सहभागिता से ऐसे अपराधियों को मजबूत पैरवी करते हुए सजा दिलाने का काम किया जाएगा। एसपी ने यह भी बताया कि जेडी अभियोजन और पीओ के साथ पैरोकारों की कड़ी मशक्कत के चलते कई लोगों को सजा हुई है, जिसमें तत्काल में 3 लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है। साथ ही अन्य कई अपराधियों के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा सजा मुकर्रर की गई। उन्होंने बताया कि लोअर कोर्ट में 170 मामलों पर पैरवी की जा रही है, जिनमें उनकी ओर से कड़ी मशक्कत करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना को लेकर क्या कुछ बताया है, यह जरा आप ही सुनिए। 100 दिन की कार्य योजना जो बनाई है सजा वगैरह के लिए क्या है? इसमें हम लोगों ने सेशन स्टाइल जो केसेज हैं वो प्लस जो है जो लोअर कोर्ट्स में है 170 मामले जो लोअर कोर्ट में है और 51 मामले फिलहाल अभी तक चिन्हित किए हैं, जो कि एक तरह से मैच्योर हैं, कुछ एक गवाहियाँ बाकी हैं और संबंधित कोर्ट्स में हम लोग प्रभावी पैरवी करा करके इनको अगले 100 दिनों के अंदर सजा दिलाने का काम करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने बैठक आज हमारे जो कोर्ट्स में मुहर्रिस हैं, पैरकार हैं, उनको बुलाया है और सभी को टास्क दिया गया है कि वो अधिकाधिक गवाहों कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग सूचित करें, जिससे कि गवाहों को तलब किया जा सके। कोई सजा हुई भी है सर अभी? अभी कल ही एक मामले में आजीवन कारावास की सजा एक महिला उत्पीड़न का मामला था उसमें हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले 3 लोगों को फांसी की सजा हुई है। हमारी पूरी जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन शाखा है ये काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें काफ़ी लोगों को सजा मिलेगी आगामी 100 दिन के अंदर। ठीक है।